हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। खुशी स्टार फूड में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ डेली रूटीन में काम आने वाले बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स। और ये सारे टिप्स ना मनी सेविंग टिप्स हैं, जिनके थ्रू आप पैसों की बचत कर सकते हैं। ये टिप्स मेरे तो काफ़ी काम आते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ ये आपके भी काम आएंगे। आज की टिप्स आपको यूजफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज की पहली टिप देखते हैं। ये वाली टिप मेरी चांदी के बर्तनों को लेकर है। देखिए, हमारे पास चांदी के बर्तन तो होते ही हैं, चाहे पूजा के हों, खाने के हों या फिर कोई ज्वेलरी वगैरह हो। ये बर्तन रखे रखे ही काले पड़ जाते हैं, यानी इन पे ब्लैक सी कोटिंग आ जाती है अगर कुछ दिनों के लिए भी हम इनको साफ नहीं करते। तो आप देख सकते हैं कि मैंने चांदी की दो कटोरी ली है, पायल, बिछिया और कॉइंस लिए हैं। काफ़ी दिनों से मैंने इनको साफ नहीं किया था तो ये काले पड़ गए हैं। इनको साफ करने का मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया बता रही हूँ। आप कुछ ही मिनटों में, कम मेहनत में ये बर्तन इतने अच्छे से साफ कर लेंगे ना कि आपके बर्तन चमक उठेंगे। तो इसके लिए देखिए, बाउल में मैंने पानी लिया है और इस पानी में ये बर्तन डाल लिए हैं, यानी जो भी चांदी की चीजें ली है इसमें डाल लेनी है। एक पैकेट इनो का डालेंगे, ये एक चम्मच के लगभग होता है तो पूरा डाल दिया है। एक चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, मिला दें और इनको ऐसे ही छोड़ देंगे पानी में 15-20 मिनट के लिए। आपके बर्तन ज़्यादा गंदे हैं तो ज़्यादा देर के लिए छोड़ दें, कम गंदे हैं तो थोड़ी देर के लिए रख लें। इस पानी में डालने से ना बर्तनों में अच्छी साइन आने लग जाती है और इन पे जो भी कालिख जमा होती है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि पानी कितना खराब हो गया है। अब एक पुराने ब्रश की सहायता से ना इनको रगड़कर पानी से बाहर निकाल लेंगे। आप बाउल में पानी इतना डालें कि जो भी बर्तन ले रहे हैं पानी में अच्छे से डूब जाएं। अब हम इसके लिए ना एक पेस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए कटोरी में मैंने एक चम्मच बेकिंग सोडा लिया है, 1.5 चम्मच इसमें कोलगेट डालेंगे और आधा ढक्कन विनेगर डालेंगे, जो चाइनीज़ खानों में यूज होता है ना। विनेगर डालते ही आप इसमें रिएक्शन देख सकते हैं, कितने अच्छे से इसमें बबल्स आ गए हैं। मिला लेना है और ये हमारा पेस्ट तैयार है। आप ये बर्तनों के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आपने जितने बर्तन ज़्यादा लिए हैं उसी के हिसाब से ये बना लें। अब ये पेस्ट हम इन पे अच्छे से लगा देंगे। आपके बर्तन या ज्वेलरी कम गंदी है तो थोड़ी देर के लिए इसको रगड़ेंगे ना, अच्छे से साफ हो जाएंगे। अगर ज़्यादा गंदे हैं तो आप ये पेस्ट लगा कर रख दें 15-20 मिनट के लिए, और बीच में आप अपना और कुछ काम करते रहें। जरूरी नहीं कि आप इनको घिसते रहें, ये पेस्ट लगाकर रख दें। 15-20 मिनट बाद हम लोहे के जोड़े से इनको रगड़कर साफ कर लेंगे। आपके बर्तन ज़्यादा डिजाइन वाले हैं, प्लेट्स वगैरह डिजाइन वाली हैं, हो सकता है उसको साफ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन एक दो बार आप इनको साफ करेंगे तो बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएगी। तो देखिए, मैंने लोहे के जोड़े से रगड़कर साफ कर लिया और वापस से इसी पानी से इनको एक बार धो लेंगे और फिर से हम 2-3 बार साफ पानी से इनको धो लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बर्तनों में कितनी अच्छी साइन आने लगी है और बर्तन कितने अच्छे से चमक गए हैं। सूखे कपड़े से इनको पोंछ कर रख लेंगे तो देखिए कितने अच्छे से बर्तन चमक गए हैं ना। कॉइंस वगैरह आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी साइन आने लगी है, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अभी अभी हम ये नए लेकर आए हैं। और त्योहारों की सीजन में हम इनकी साफ़ सफाई ज़रूर करते हैं। आप डेली यूज़ वाली चीज़ें साफ़ कर सकते हैं, पायल, बिछिया। आप कटोरी देख सकते हैं कि पहले किस हालत में थी, कितनी काली थी, और आप देखिए फ़र्क खुद देख सकते हैं आप, कितने अच्छे से इसमें साइन आ गई है। तो फ्रेंड्स, आप अपने चांदी के बर्तनों को इस तरह से साफ़ कर सकते हैं, है ना कमाल का आइडिया। देखिए, जो बर्तन धोने के लिए हम लिक्विड जेल लेकर आते हैं, आप कोई से भी कंपनी का लेकर आते हैं, बोतल में लेकर आते हैं या रिफिल में लेकर आते हैं, तो लाते ही हम इनको डायरेक्ट यूज़ करने लग जाते हैं, यानी इनसे बर्तन साफ़ करने लग जाते हैं, जो काफ़ी गलत है। इससे हमारी काफ़ी वेस्टेज होती है और ये जल्दी भी ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी गाढ़े होते हैं। इससे ही हम डायरेक्ट बर्तन साफ़ करने लगेंगे तो कई बार रिफिल में से ज़्यादा भी निकल जाता है और इससे वेस्टेज होती है। तो जब भी आप ये लेकर आएँ तो इनको डायरेक्ट ऐसे यूज़ मत कीजिएगा। आप ये रिफिल लेकर आए हैं तो एक बोतल में भर लें। मैंने ये विम बार की बोतल ली है और ज़रूरी नहीं कि आप हर बार बोतल लेकर आएँ, आप एक बार बोतल ले आएँ और फिर आप ये रिफिल लेकर आएँ, इसी बोतल में आप ये भर कर रख लें, क्योंकि हर बार आप ये बोतल लेकर आएंगे तो 10-15 रुपये इसके एक्स्ट्रा लगेंगे। तो इस बोतल में मैंने देखिए ये लिक्विड भर दिया है, इसका 2.5-3 गुना इसमें पानी डाल लेंगे। आपके पास इस तरह की बोतल नहीं है, घर में कोई पुरानी बोतल पड़ी है तो उसमें डाल लें। 2.5-3 गुना मैंने पानी डाल दिया है, मिला लेंगे और ये हमारा परफेक्ट लिक्विड तैयार है। मैं इसी तरह से ये बनाकर रख लेती हूँ। अब आप इससे बर्तन साफ़ करेंगे तो अच्छे से बर्तन साफ़ होंगे और ये ज़्यादा भी नहीं निकलेगा, तो इससे हमारे पैसों की भी बचत होगी। और जहाँ कहीं आपका ये 15 दिन चलता था, वहीं आपका ये महीने भर चलेगा। टिप यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।
ये वाली टिप मेरी शैम्पू के पाउच को लेकर है। देखिए शैम्पू का यूज़ तो हम सब करते हैं बाल धोने के लिए, कभी कोई सा शैम्पू का पाउच लेकर आते हैं, कभी कोई सा लेकर आते हैं। तो इनको यूज़ करने के बाद यानी इनमें से शैम्पू निकालने के बाद हम इनको फेंक देते हैं, लेकिन आप इनको ऐसे मत फेंकिएगा क्योंकि फिर भी इनमें ना थोड़ा बहुत शैम्पू रह जाता है। तो आप इनको इकट्ठा करके रख लें, जब 5-7 इकट्ठे हो जाएँ तो आप इनको सबको काट लें, अच्छे से काट लेना है। बाउल में पानी लेंगे और ये सारे शैम्पू के पाउच काट कर इसमें डाल लेंगे, हाथ से मसल कर इनका सारा शैम्पू निकाल लेंगे। अब इस पानी से आप किचन के नैपकिन धो लीजिए, यदि आप किचन के नैपकिन नहीं धोना चाहते तो आप इसमें जुराब धो लीजिए। कई लोगों की जुराब में पसीने के बहुत गंदी बदबू आती है, तो आप इस पानी से ये जुराब धोएंगे ना तो पसीने की बदबू भी दूर हो जाएगी और इनसे भीनी भीनी खुशबू आएगी। 15-20 मिनट के लिए इसी पानी में छोड़ दें, फिर साफ पानी से इनको धोकर सुखा लें। तो आइए आप देखते हैं अगली टिप। ये वाली टिप मेरी साबुन को लेकर है। देखिए साबुन हम अलग अलग तरह की यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए कभी रिन लेकर आते हैं, कभी कोई सी लेकर आते हैं, लेकिन जो रिन वगैरह हम लेकर आते हैं ये छोटी सी टिकिया बच जाती है, कपड़े पर रगड़ती हैं तो अच्छे से धुलते नहीं हैं, यानी इतनी टिकिया हमारी बच जाती है तो इसको वेस्टेज समझकर हम फेंक देते हैं। लेकिन आप इसको भी फेंकिएगा मत, इसका भी हम अच्छे से यूज करेंगे। तो मैंने एक पुरानी सॉक्स ली है, इसमें 3-4 टुकड़े ये रिन के डाल लिए हैं, इसकी एक पोटली सी बना ली, ऊपर नोट लगा दी है। देखिए अब इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, देखिए आप वाश बेसन साफ कर सकते हैं, इसकी अच्छे से पोटली बन गई है और इसको थोड़ा सा गीला करके ना वाश बेसन में रगड़ लीजिए, इससे आपका वाश बेसन बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है। आप बाथरूम की सफाई कर सकते हैं, टाइल्स वगैरह साफ कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छे से चमक जाएगा। तो साबुन के टुकड़ों को भी वेस्टेज समझ कर मत फेंकिएगा, इनका भी आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए वाश बेसन कितने अच्छे से चमक गया है। यदि वाश बेसन आप साफ़ नहीं करना चाहते तो आप सिंक एरिया को साफ़ कर लीजिए। वाश बेसन को साफ़ करने के बाद आप इसमें एक कपूर की गोली डाल दीजिए, इससे ना इसमें कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे और भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी। तो इसी तरह से हम सिंक को भी साफ़ कर सकते हैं, सिंक भी अच्छे से चमक जाता है। उसके बाद इसको धूप में रख दीजिए, ये सूख जाएगा, दोबारा से यूज करना होगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इससे हमारे साबुन के टुकड़ों की वेस्टेज नहीं होगी, पैसों की भी बचत होगी। दूसरा कि इन साबुन के टुकड़ों का आप ज़्यादा तामझाम नहीं करना चाहते तो एक सिंपल सा आइडिया है कि आप थोड़ा सा गर्म पानी करें, पानी को अच्छे से गर्म कर लेना है और ये साबुन के टुकड़े इसमें अच्छे से तोड़कर डाल लेंगे। आपने जितने भी साबुन के टुकड़े इकट्ठे कर रखे हैं वो गर्म पानी में डाल लें या पानी को थोड़ी देर के लिए उबाल लें, साबुन डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ये साबुन अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद इनको हाथ से मसल लेना है और ये पानी आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हैं तो उसमें डाल दीजिए, बाल्टी में कपड़े भिगोए हैं तो आप उसमें डाल लीजिए, ये सर्फ की तरह काम करेगा। यदि आप कपड़े नहीं धोना चाहते तो आप इसमें किचन के नैपकिन धो लीजिए, किचन के नैपकिन काफ़ी ऑयली हो जाते हैं तो इस पानी में आप भी भिगोकर रख दें 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद साफ पानी से धोकर इनको धूप में सुखा दें, अच्छे से साफ हो जाते हैं। ये वाली टिप मेरी छलनी को लेकर है। देखिए हमारी जो चाय छानने वाली छलनी होती है धीरे धीरे काफ़ी गंदी हो जाती है, हम रोज चाय छानते हैं, अच्छे से धोकर तो रख लेते हैं लेकिन फिर भी ना ये काफ़ी गंदी हो जाती है, यानी इसके होल बंद हो जाते हैं, इसमें चाय पत्ती फंस जाती है, ऑयल सा जमा हो जाता है और जब हम इससे चाय छानते हैं तो अच्छे से छनती नहीं। हम सोचते हैं कि छलनी ख़राब हो गई है, इसे फेंक देते हैं, दूसरी लेकर आते हैं। तो यदि आपकी छलनी भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसे आप इस तरीके से साफ़ करें, आपकी छलनी एकदम साफ़ हो जाएगी। गैस की फ्लेम को ऑन करें, फ्लेम को मीडियम रखेंगे और छलनी को ना फ्लेम से थोड़ा सा ऊपर रखें, ऐसे घुमाते रहें छलनी को इधर उधर। छलनी ज़्यादा गंदी है तो थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रखें, कम गंदी है तो थोड़ी देर के लिए रख लें। आपको खुद पता लग जाएगा कि इसमें जो भी डस्ट फंसी हुई है यानी चाय पत्ती जमी हुई है वो अच्छे से जल जाएगी। इसमें चिकनाई जमी हुई होती है तो देखिए आँच सी लग जाती है, यानी मैल जमा हुआ था ना उसमें आँच लग जाती है। इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे जलाने के बाद, और ठंडा करने के बाद आप इसको झड़काएंगे ना तो इसमें से चाय पत्ती निकलेगी। चाकू से कुरच कर निकाल दें, फिर उसके बाद लोहे का जूना लेंगे, इस पर विम लिक्विड लगाकर इसको रगड़कर साफ़ कर लेंगे। जो ये जली थी ना, काली हो रही थी, अच्छे से साफ़ हो जाएगी। इसको धो लेना है, आप देखेंगे कि छलनी कितने अच्छे से साफ़ हो गई है, इसके जो होल बंद थे सारे अच्छे से खुल जाते हैं। तो 10 दिन में आप छलनी की इस तरह से सफाई करते रहें, आपकी छलनी कभी ख़राब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आज की थी मेरी ये टिप्स, मैं उम्मीद करती हूँ ये आपके भी काम आएगी। आज की टिप्स आपको यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।